हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसका नाम होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो पिछले वाले क्लासेस में मैंने बताया था कि जो भ्रूण का विकास है वह द्विबीजपत्री में कैसे और किस प्रकार से हुआ था, उसको मैंने बेसिकली क्या किया था पिछले वाले क्लासेस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो जिन लोगों को क्लासेस नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम लोग पिछले वाले क्लासेस में क्या पढ़े थे कि कहते हैं कि भ्रूण का जो विकास है वो द्विबीजपत्री में भ्रूण का कैसे विकास हुआ था, इसके बारे में क्या कहते पढ़े थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग हो जाएगा एक बीजपत्री में क्या चीज़, तो एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास हेडिंग आप लोग भी बनाएंगे। एक बीजपत्री में भ्रूण का क्या चीज़, तो भ्रूण का विकास, क्योंकि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे क्या होता है, सबसे पहले जो युग्मरज होता है वो आकार में वृद्धि करता है। तो स्टार्टिंग में भी सेम बातें यहाँ पर भी बताएंगे कि जो एक बीजपत्री में भ्रूण का जो विकास होता है, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास बेसिकली द्विबीजपत्री के समान ही होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो वैसे ही होता है, लेकिन आगे जाकर के कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। तो सबसे पहली बात इसमें समझ लीजिए कि एक बीजपत्री में जो भ्रूण का विकास होता है वह लगभग द्विबीजपत्री के क्या होता है, तो शुरुआती में द्विबीजपत्री के क्या हो जाता है, समान होता है। ठीक है, एक बीजपत्री में इसमें क्या होता है कि युग्मनज होता है। युग्मनज क्या करता है, तो युग्मनज होता है अनुप्रस्थ विभाजन करता है। यहाँ का जो युग्मनज है वो क्या करेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखते चलूँ, इस बार मैं यहाँ से इसका चार्ट बनाऊँगा, क्या हो जाएगा, युग्मनज होता है। युग्मनज क्या करेगा भाई, तो युग्मनज होता है ये करता है क्या चीज़, अनुप्रस्थ विभाजन करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें समझ लीजिए कि युग्मनज जो होता है वो क्या करता है, युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन करता है। ठीक, इतनी बातें सभी को समझ में आया। एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, तो आप इसको समझिए कि युग्मनज तो क्या करता है, तो युग्मनज होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन करता है। और जब युग्मनज क्या करेगा, अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, तो अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। यहाँ मैं लिख दूँ कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्या करता है, दो प्रकार के कोशिका का निर्माण करता है, दो प्रकार के कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। अब बताइए दो प्रकार की कोशिका का निर्माण कौन करेगा, युग्मनज। युग्मनज क्या करेगा, तो युग्मनज होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन करता है, और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का क्या करता है, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, अब दो प्रकार की कोशिका में कौन कौन सी कोशिका होता है, तो पहला जो होता है, पहला हो जाएगा क्या चीज़, तो पहला हो जाएगा आधार कोशिका हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अंतस्थ कोशिका हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, आधार कोशिका हो जाएगा, आधार कोशिका, और दूसरा क्या हो जाएगा, अंतस्थ कोशिका हो जाएगा। बातें सभी को समझ में आई कि नहीं आई, चलिए बताइए फटाफट। युग्मनज होता है वो विभाजन करता है, तो विभाजन होता है किस प्रकार का विभाजन करता है, युग्मनज होता है ये अनुप्रस्थ विभाजन करता है, ध्यान से सभी, युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन करता है, और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। एक कोशिका इसमें से आधार कोशिका कहलाती है, और दूसरा कोशिका क्या कहलाती है, दूसरा कहलाती है अनुप्रस्थ कोशिका, अंतस्थ कोशिका कहलाती है। इतनी बातें सभी को समझ में आए कि नहीं है। अब देखिए जो आधार कोशिका होते हैं, आधार कोशिका में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधार कोशिका जो देख रहे हैं, आधार कोशिका में फिर से विभाजन होता है, कैसा विभाजन होता है, तो अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधार कोशिका में कौन सा विभाजन हो जाएगा भाई, आधार कोशिका में जो होता है ये अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा। और जब आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो अनुप्रस्थ विभाजन से दो प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है, तो आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करती है, तो यह भी क्या करती है, यह पुनः से दो प्रकार के कोशिका का क्या करती है, दो प्रकार के कोशिका का निर्माण करती है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के कोशिका का निर्माण करती है।
अब देखिए आधार कोशिका ने अनुप्रस्थ विभाजन किया और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार के क्या किया है, दो प्रकार के कोशिका यानी दो प्रकार के कोशिका का क्या किया, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण किया। उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ जो है यानी जो अनुप्रस्थ जो आपका अंतस्थ कोशिका है, ये अंतस्थ कोशिका भी क्या करती है, ये अनुदैर्ध्य विभाजन करती है। ठीक है, क्या करती है, अंतस्थ कोशिका जो थी ये अनुदर्घ यानी लॉन्गिट्यूडिनल तो कैसा विभाजन करती है, तो ये करेगा अनुलंब, अनुदर्घ मतलब अनुदर्घ क्या करती है, अनुदर्घ विभाजन करती है। देखिए जो आधार कोशिका है वो तो अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, तो जब ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगा तो यह भी दो प्रकार का कोशिका का निर्माण करेगा, और यहाँ पे जो अंतस्थ कोशिका है ये अंतस्थ कोशिका भी क्या करती है, ये अनुदर्घ विभाजन करती है, और जब ये अनुदर्घ विभाजन करती है तो ये भी दो प्रकार की क्या करती है, यह भी दो प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, बातें समझ में आ गई सबको। तो आधार कोशिका और अनुप्रस्थ कोशिका ये दोनों क्या करती है, ये दोनों विभाजन करती है, आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करती है और अंतस्थ कोशिका जो होती है वो अनुदर्घ विभाजन करती है, और दोनों प्रकार की कोशिका जब विभाजन कर लेती है दो दो प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या करेगी, तो ये भी दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करेगी, तो ये दो प्रकार की क्या करती है, ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। अब एक देखिए आधार कोशिका और अंतस्थ कोशिका जब ये अनुप्रस्थ और अनुदर्घ दोनों प्रकार की विभाजन कर लेती है तो इसकी जो आकार होती है, इसकी आकार देखने पे टी की तरह दिखाई देने लगता है। इसका संरचना कैसा दिखता है, टी आकृति की संरचना क्या होती है, टी आकृति की संरचना दिखने लगती है, और जब ये टी आकृति की संरचना दिखने लगती है तो टी आकृति की जो संरचना होती है या टी आकार का जो कोशिका बन जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे बाल भ्रूण कोशिका कहते हैं। मतलब कि जो ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण ये किया प्लस दो प्रकार की कोशिका का निर्माण अंतस्थ कोशिका, आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन कर रही है और अंतस्थ कोशिका जो था अनुदर्घ विभाजन कर रही है, जब ये दोनों विभाजन करती है तो दो दो प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है, और दोनों प्रकार की जब कोशिका का निर्माण कर लेती है तो इन दोनों प्रकार की कोशिका को मिलाकर देखने पर ये दिखता है, ये टी आकार का संरचना दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, टी आकार का क्या होता है, तो टी आकार की कोशिका होती है। ठीक है, और जो टी आकार की कोशिका जब दिखाई देती है तो इस टी आकार की कोशिका को क्या कहते हैं, तो टी आकार की कोशिका को कहा जाता है बाल भ्रूण। ठीक है, क्या कहते हैं, बाल भ्रूण, यानी टी आकार की संरचना को हम क्या कह सकते हैं, बाल भ्रूण कहते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाता है, तो ये बाल भ्रूण बन जाता है, क्या बन जाएगा, बाल भ्रूण बन जाएगा। अब देखिए यहाँ ये समझिए कि ये दो प्रकार की कोशिका क्या कर रहा है, अनुप्रस्थ भी है, तो ये मान लीजिए ऐसे है तो ये विभाजन ऐसे करेगा, और ये जब है देखिए कुल मिलाकर के ये है कि इस प्रकार से संरचना बनाएगा, एक तो ऐसे बनाएगा ऐसे और दूसरा ऐसे, और इस प्रकार से क्या हुआ दिख रहा है आपको, टी आकृति की तरह क्या दिख रहा है, संरचना दिख रहा है, और टी आकार की कोशिका को क्या कहते हैं, बाल भ्रूण कोशिका कहते हैं। ठीक है, इतनी बात से सभी को समझ में आ गई। अब इसी तरह से आधार कोशिका से बने कोशिका में क्या होता है, अनुदर्घ विभाजन होता है, अनुदर्घ विभाजन भी होता है और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की विभाजन होता है, किसमें, अंतस्थ कोशिका में। ठीक है, दोनों में क्या होता है, तो दोनों में अनुप्रस्थ अनुदर्घ दोनों प्रकार का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कई प्रकार के कोशिका का निर्माण होता है। किसमें, आधार कोशिका जो बनना है, इस आधार कोशिका में क्या होता है, अनुप्रस्थ और अनुदर्घ दोनों प्रकार का क्या होता है, डिवीजन होता है, और दोनों प्रकार का जब डिवीजन कर लेते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अनेक प्रकार की कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, कई सारे कोशिका का निर्माण होता है, और जिसमें से ऊपर वाली कोशिका जो होती है वो क्या कहलाती है, हाँ तो जिसमें से ऊपर वाली जो कोशिका होती है वो क्या होती है, निलंबक कोशिका करती है, और बाकी जो कोशिका होती है वो भ्रूण कोशिका बनाती है। मतलब ये दो प्रकार के जो कोशिका का निर्माण किया है ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे ये अनुप्रस्थ विभाजन भी करेगा और क्या करेगा, अनुदैर्घ्य विभाजन भी करेगा, तो अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के जब विभाजन करेगा तो क्या करता है, ये कई प्रकार की कोशिका का क्या करता है, कई प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, कई प्रकार की कोशिका का जब निर्माण करता है तो इस कई प्रकार की कोशिका में सबसे ऊपर वाली कोशिका, कहाँ वाली, ऊपर वाली कोशिका जो होती है, ऊपर वाली कोशिका किस चीज़ का निर्माण करती है, तो ऊपर वाली जो कोशिका होती है ये निलंबक कोशिका का निर्माण करती है, और नीचे वाली जो कोशिका होती है बाकी कोशिका जो होती है वो भ्रूण का क्या कर लेती है, भ्रूण कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, यानी ऊपर वाला क्या कर रहा है, ये निलंबक कोशिका का निर्माण कर रहा है। ठीक है, किसका,
ये जो होता है ऊपर वाला जो होता है ये निलंबक कोशिका, यानी देखिए ये क्या किया, निलंबक कोशिका का निर्माण कर लिया, और निलंबक कोशिका ऊपर वाले कोशिका को क्या कहेंगे, निलंबक कोशिका कहेंगे, और बाकी की जो शेष होते हैं तो बाकी के शेष क्या कहलाते हैं, बाकी के शेष जो कोशिका होता है वो भ्रूण कोशिका का क्या करती है, भ्रूण कोशिका का निर्माण करती है, और जो भ्रूण कोशिका होती है वो क्या करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान, यानी भ्रूण को पोषण में सहायता प्रदान करती है। बातें सभी को समझ में आ गए? चलिए एक बार आप अच्छे से पूरी बात को समझ लीजिए। आपको देखिए समझना क्या है, आप इसमें समझेंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे, एक बीजपत्री में 21 शिश्का, तो एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। तो सबसे पहले यानी कि जो युग्मनज होता है, क्या चीज़, युग्मनज जो होता है, युग्मनज ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है, और ये युग्मनज जब अनुप्रस्थ विभाजन कर लेती है तो दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, एक कोशिका जो होता है आधार कोशिका कहलाती है, और दूसरा क्या कहलाती है, दूसरा अंतस्थ कोशिका कहलाती है। ठीक है, चलिए बताइए कमेंट करके कि जो युग्मनज होता है जब ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है तो ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, और उन दोनों प्रकार की कोशिका में एक कोशिका क्या कहलाती है और दूसरी कोशिका क्या कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए एक कोशिका तो आधार कोशिका कहलाती है और दूसरा क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ कोशिका कहलाती है। अब यहाँ पे जो आधार कोशिका होती है, या आधार कोशिका क्या करती है, आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करती है, और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार से अंतस्थ कोशिका भी क्या करती है, अनुदर्ग विभाजन करती है, और ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। अंतस्थ कोशिका और आधार कोशिका जब दोनों डिविजन कर लेते हैं तो इनका एक अलग अलग शेप दिखने लगता है, ये एक अलग आकृति के दिखाई देने लगते हैं, और जिस आकृति की दिखाई देते हैं उसे टी आकार की कोशिका कहते हैं, और ये जो टी आकार की कोशिका होती है, इस टी आकार की कोशिका को क्या कहा जाता है, बाल भ्रूण कोशिका कहते हैं। क्या बन जाता है, ये बाल भ्रूण बन जाता है। अब देखिए जो आपका अंतस्थ कोशिका यानी आधार कोशिका से दो प्रकार का कोशिका बना है, इस दो प्रकार की कोशिका में क्या होता है, इस दो प्रकार की कोशिका में एक बार अनुप्रस्थ और एक बार अनुदर्घ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप कई प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अंतस्थ कोशिका यानी जो आधार, सॉरी आधार कोशिका जो है ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण कर रही है, और ये दो प्रकार की कोशिका में अनुप्रस्थ और अनुदर्घ दोनों प्रकार का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये क्या होते हैं, कई प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं, और कई प्रकार की कोशिका में सबसे बाहरी वाली जो कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं, और बाकी की जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, वो भ्रूण कोशिका कहलाती है, और ये जो भ्रूण कोशिका होते हैं भ्रूण को पोषण प्रदान करने में क्या करती है, पोषण प्रदान में सहायता करती है। इतनी बातें समझ में आ गई, तो ये रहा एक बीजपत्री में भ्रूण का क्या चीज़ विकास। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, आपको समझाने की प्रयास करते हैं। तो अब मैं इसको आप लोगों को डायग्राम के थ्रू इसको क्या करूँगा, समझाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पर डायग्राम आ गया है, स्टेजेस ऑफ क्या है, प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड मोनोकॉटलिडनस, यानी कि एक बीजपत्री में क्या चीज़, तो एक बीजपत्री में क्या है, तो इसका भ्रूण का विकास है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि देखिए यहाँ पे क्या है, युग्मनज यानी जायगोट है, और ये युग्मनज क्या किया है, युग्मनज ने अनुप्रस्थ विभाजन किया, और जब ये अनुप्रस्थ विभाजन किया तो दो प्रकार की कोशिका का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, दो प्रकार की कोशिका में एक आधार कोशिका था और दूसरा क्या था, अंतस्थ कोशिका। तो आधार कोशिका और अंतस्थ कोशिका, आधार कोशिका में क्या हुआ, तो आधार कोशिका में भी क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो देख रहे हैं आधार कोशिका में क्या, कैसा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ, और अंतस्थ कोशिका में भी अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। दोनों प्रकार की कोशिका में क्या हुआ, जब विभाजन हुआ तो यह एक टी आकृति की संरचना ली थी, जिससे हम क्या कहते हैं, बाल भ्रूण कहते हैं। आधार कोशिका में यहाँ देख रहे हैं कि कई बार यहाँ पर क्या हुआ, अनुप्रस्थ और अनुदर्घ दोनों प्रकार का विभाजन हुआ, और दोनों प्रकार की विभाजन से क्या होता है, दोनों प्रकार की विभाजन से आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें कई प्रकार के क्या होता है, कई प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं, और ये कई प्रकार की कोशिका में सबसे बाहर वाली कोशिका जो होती है, सबसे बाहर वाली कोशिका को क्या कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं, और इसके नीचे की जो कोशिका, बाकी की जो कोशिकाएं होती है, इन बाकी की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो बाकी कोशिकाओं को भ्रूण कोशिकाएं कहते हैं, और ये भ्रूण कोशिका जो होती है वो क्या करती है, भ्रूण कोशिका किस में, तो भ्रूण के पोषण में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ये वाला डायग्राम आप लोग अच्छे से बना करके लिख लीजिएगा,